तो स्वागत है दोस्तों आज आप लोगों का मेरे व्लॉगिंग चैनल में, और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से प्यार भरा जोहार। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं आज का डेट जो है हमारा, वो है 8 मार्च। और आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को क्या होता है, आज है वुमेन्स डे। तो वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर आज हम लोग मम्मी को देने वाले हैं 170 रुपये का। आज तक कभी किसी लड़की को नहीं दिया, लेकिन मम्मी को दे रहे 170 रुपये का किटकैट। बॉय तो गाइस, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं इसका राज, तो मम्मी को ये ऐसा ऐसा किटकैट दीजिए, सुबह सुबह आपको बढ़िया बढ़िया खाना मिलते रहेगा। और विमेंस डे के अवसर पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी सस्ता महसूस जुगाड़ हो है रहा है गाइस। हाँ क्योंकि एक महिला को स्पेशल डे मिला है आज के दिन, और इस डे के दिन महिला को गर्व महसूस होता है। क्योंकि जैसे कि एक महिला सबसे पहले तो एक बेटी होती है, उसके बाद फिर किसी की बहू बनती है, गर्लफ्रेंड भी फिर गर्लफ्रेंड भी गाइस। बहू होने के बाद फिर माँ बनती है, और माँ बनने के बाद फिर सास बनती है। इस तरह फिर दादी भी बनती है हमारी। हाँ, बहुत मतलब विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न विभिन्न किरदार निभाते हुए और जिम्मेदारी को समझते संभालते हुए और कार्य करती है। इसीलिए महिलाओं को आज स्पेशल दिन दिया गया है। हाँ सो गाइज, चलिए, मेरा बेटा आज हमें मेंस डे के अवसर पर आज तोहफे के रूप में किटकैट दिया है, उसके लिए थैंक यू। दिए तो लीजिए मम्मी, अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, बस पकड़ने के लिए है। हाँ थैंक पकड़िए। यू, थैंक यू वेलकम। भूषण। हाँ और इस देख लीजिए व्यूअर्स, देख लीजिए मेरा बेटा मुझसे कितना सारा प्यार करता है, भर भर के प्यार करता है। और थैंक यू कैमरामैन, कैमरामैन कैमरामैन सुभाष के साथ, और अभी तक सुभाष। साइनिंग आउट नहीं कर रहे गाइस। और तो चलिए अनबॉक्स करते हैं बिना किसी देरी का। चलिए तो अनबॉक्स करते हैं एकदम लाइटिंग वाइटिंग्स के साथ। ओहो गड़बड़ा गया गाइस। तो आप लोग अगर ऐसी अनबॉक्सिंग करना चाहते हैं तो इसको हाथ से नहीं होगा, इसके लिए आपको लाना पड़ेगा बैठी। और आप लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगी कि कभी भी आप लोग एक वुमेन को कमजोर कमजोर बिल्कुल ना समझें, और उसका प्रोत्साहन बढ़ाते रहें हमेशा, उनको अपने पैर का धूल कभी ना समझें। क्योंकि आज के क्षेत्र में, मतलब आज के ज़माने में देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं मतलब पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और विभिन्न कार्य को बखूबी निभाते हुए अपने हर कार्य क्षेत्र में अपना योगदान दे रही अरे है। कुछ रेड करते हैं तो कैची हम लोग को मिला है, बैठी तो मिला नहीं, तो फिर इसको ऐसे खोला जाता है। अब उसके बाद यहाँ से ऐसे काट देते हैं, हो गया है। और शायद इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं गाइस, और शायद ऐसे ही निकाला जाता है। तो ये निकल चुका है हम लोग का। अब मम्मी केक काटेंगे तो केक कैंची से काटना पड़ेगा। आज कैंची से काम चलाएगी मम्मी। रैपर हटाना होगा ताकि। हाँ तो रैपर हटाते हैं, सस्ता जुगाड़। ऐसे नहीं हटता, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। किटकैट का आप नाम अति कर दीजिए, ऐसे करके ऐसे अंगूठा कीजिए। यूनिवर्सल लॉ है किटकैट खोलने का, टेक्निक निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक। हाँ हैप्पी विमेंस डे यस टू यू, हैप्पी विमेंस डे टू यू डियर मम्मी, हैप्पी विमेंस डे टू ये मैं यू। बताना चाहूंगी रिवर्स, क्योंकि मेरा बेटा किट कैट लाया, इसको पता है कि मुझे किट कैट ही पसंद है, मुझे डेरी मिल्क या बच्चा फिर है फाइव बिस्का स्टार ओरियो या और चॉकलेट। कुछ, वो सब मुझे उतना पसंद नहीं है, मुझे किट कैट बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो तो गाइस, क्या खाइए मैं खाऊं और इसका टेस्ट बताऊं? क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं कि किटकैट का स्वाद कैसा होता है? अभी मेरी मम्मी बताने वाली है, जल्दी तो खाइए सो गाइस, मैं खाने जा रही हूँ। और जल्दी खाइए, हम लोग को भी खाना है। क्या ही बताऊँ, अरे क्या बाप। बताऊँ, क्या बताऊँ। हाँ ओ, इसको खा के मजा आ जाता है गाइस। अगर आप लोग नहीं खाए ना एक तो बार ट्राई कीजिए, 170 रुपया ट्राई पहले कीजिए, तो जमा ट्राई करना कीजिए। होगा। ऐसे तो सभी लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है, चॉइस होता है, पर मुझे ये चॉकलेट बहुत ही पसंद है, तो मैं अब खा ली हूँ, तो मैं अपने बेटे को भी खिलाऊंगी। हाँ तो सबको खिलाएंगे। आप अपने पतिदेव और को भूल गए हैं गाइस, तो विमेंस डे में इतना चलता है। वाह वाह वाह। तो फिर खिलाइए, पापा को भी खिला दीजिए। हाँ सो मैं अभी सुभाष जी को अभी दे रही हूँ। थैंक लीजिए। यू। अच्छा हम लोग उधर चलते हैं पहले।
अपने पिताश्री को खिलाने के लिए। सो गाइस, ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनको भी चॉकलेट खिला दी हूँ। बहुत अच्छे पति हैं और कपड़ा तो पोस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे पिता भी हैं, बहुत अच्छे भाई भी हैं। ये भी मतलब बहुत ही अच्छे, कहे तो बहुत ही अच्छे हैं ये आदमी। बेचारे पापा छटपटा रहे चॉकलेट खाने के लिए। जल्दी से बोलिए आई लव यू अर्थलिंडा। जल्दी 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 मन मन बोल दिया है। माय फादर इज स्पीचलेस गाइस। तो हम अपने जीजा जी से भी हम लोग एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि विमेंस डे के शुभ अवसर पर इनका क्या ओपिनियन है। तो बताइए जीजा जी। वुमेंस को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि वो बहुत कुछ झेल के बहुत कुछ करती है। अगर हम हैं यहाँ पे तो वो भी कोई वुमेंस का ही देन है। इसीलिए थैंक्स टू माय मॉम, हैप्पी वुमेंस डे। और माय जो नई बीवी है, पत्नी है, उसको भी बोलना चाहेंगे हैप्पी वुमेंस डे। वो आज मेरे पास अभी नहीं है लेकिन जहाँ पे भी है, अगर ये वीडियो देख रही है तो उसके लिए स्पेशली बोलना चाहेंगे, बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। हैप्पी वुमेंस डे। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपने फैमिली को और अपने मम्मी को या फिर अपनी बहन को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मिलते हैं अनदर वीडियो में।